एंग्लो इंडियन न्यूज सच की तह तक। दर्शकों नमस्कार, खबर कानपुर उत्तर प्रदेश से, जहां तहसील बिल्हर अंतर्गत चौबेपुर के बेला रोड स्थित कन्हैया पार्टी लान में योगी राशि शक्ति पुत्र जी महाराज के दिशा निर्देशन में भगवती मानव कल्याण संगठन कानपुर के सदस्यों द्वारा 24 घंटे का अखंड श्री दुर्गा चालीसा पाठ बुधवार को दोपहर में संपन्न हो गया। मंगलवार को प्रारंभ हुए अखंड श्री दुर्गा चालीसा पाठ का बुधवार को समापन किया गया, जिसके बाद भक्तों ने शक्ति जल एवं प्रसाद बड़े भक्तिभाव के साथ ग्रहण किया। वहीं चालीसा पाठ समापन के बाद भगवती मानव कल्याण संगठन के केंद्रीय प्रचार मंत्री वीरेंद्र दीक्षित ने भक्तजनों को संबोधित करते हुए कहा कि आज सनातनी अपना पतन स्वयं करने में लगा है। उसने अपने घरों में रामायण, श्रीमद् भगवद गीता जैसी दिव्य पुस्तकें सिर्फ पूजने के लिए रख रखे हैं, जबकि ये सिर्फ रखने के लिए नहीं बल्कि इनमें लिखी बातों को धारण करना चाहिए, और जब इनका ज्ञान मनुष्य को होगा तभी वो अपनी और अपने सनातन धर्म की रक्षा कर सकता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखी और लोगों को प्रोत्साहित किया। बुलडोजर, गाड़ी पलटो और ठोको जैसी नीतियों पर भी उन्होंने अपनी बात मुखर होकर के रखी। सनातन धर्मावलंबियों के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण संदेश प्रेषित किया, साथ ही संगठन के लक्ष्य और उद्देश्यों के प्रति उपस्थित लोगों को जानकारी दी। बड़े ऊर्जात्मक तरीके से उपस्थित मां भक्तों को भगवती मानव कल्याण संगठन के केंद्रीय प्रवक्ता रमेश चंद्र मिश्र के द्वारा भी संबोधित किया गया। अंत में भगवती मानव कल्याण संगठन के कानपुर नगर के जिलाध्यक्ष योगेंद्र तिवारी के द्वारा उपस्थित सभी मां भक्तों के प्रति, सहयोगियों के प्रति तहे दिल से आभार व्यक्त किया गया। उक्त अवसर पर कानपुर नगर क्षेत्र के साथ साथ फर्रुखाबाद, उन्नाव, कानपुर देहात आदि जिलों के मां भक्तों की भी उपस्थिति रही। उक्त के संबंध में तहसील अध्यक्ष संजय त्रिपाठी ने जानकारी साझा की। आपने बताया कि उक्त जिला स्तरीय आयोजन को संपन्न कराने में कन्हैया पार्टी लान के मालिक तिवारी जी, शशिकांत त्रिपाठी, शिब्बू भैया, टीम प्रमुख सर्वे सचान लालजी चौरसिया, टीम प्रमुख योगेश कटियार, नीरज कटियार, तहसील अध्यक्ष महिला शाखा, टीम प्रमुख श्रवण कुमार, प्रांतीय उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र, टीम प्रमुख सतीश चंद्र प्रजापति, रविशंकर गुप्ता, टीम प्रमुख सत्यवती पाल, कोषाध्यक्ष उदयनारायण सचान, रामजी गुप्ता, निधि चौरसिया आदि की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उक्त अवसर पर भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आर के त्रिपाठी, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विपिन मिश्रा, प्रांतीय पदाधिकारी राजा अवस्थी, जिलाध्यक्ष योगेंद्र तिवारी, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिलाध्यक्ष चंद्रेश सिंह, हरदोई जिलाध्यक्ष विनय गुप्ता, माधुरी सिंह, नरवल तहसील अध्यक्ष ज्ञानेंद्र तिवारी, सदर तहसील अध्यक्ष अरविंद मिश्रा आदि के साथ साथ सौरभ मिश्रा, वीवी कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल के प्रबंधक आशुतोष वाजपेयी, ललित कुमार पूर्व लोकसभा प्रत्याशी अनूप वाजपेयी, प्रिंस विश्वकर्मा, आलोक शर्मा, प्रयाग नारायण शुक्ला, भगवान सिंह, माया मिश्रा, सोनी योग भारती, रामेंद्र सिंह तोमर, अमित सिंह उर्फ सोनू, किशन लाल पाल, टीम प्रमुख वीरेंद्र मिश्रा, संतोष शुक्ला, टीम प्रमुख सतीश दीक्षित, टीम प्रमुख संजीव कटियार, टीम प्रमुख अमोल सिंह, सोनू तिवारी, सुमित श्रीवास्तव, रामजी पाल, राजन सैनी, नैना चौरसिया, राजेश खन्ना, श्री कृष्ण कठेरिया, आदित्य श्रीवास्तव आदि सैकड़ों में भक्त मौजूद रहे। वहीं तहसील क्षेत्र के सक्रिय कार्यकर्ता बब्बू सिंह को केंद्रीय प्रचार मंत्री वीरेंद्र दीक्षित द्वारा मां की छवि देकर टीम प्रमुख के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई। कार्यक्रम के अंत में सभी ने बड़े भक्तिभाव से शक्ति जल एवं प्रसाद ग्रहण किया। चौबेपुर कानपुर नगर से संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव की रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज, डिजिटल पार्टनर विद नवयुग समाचार। सबका साथ,
सबका विकास इस पर पुनर्विचार करें, सबका साथ सबका विकास इस पर पुनर्विचार करें। हमारा संगठन और हमारी पार्टी का आगामी नारा नहीं होगा देशभक्तों के साथ देशभक्तों का विकास। कहीं भी बांग्लादेश से हिंदू नहीं मारे जाएंगे, कहीं पाकिस्तान से नहीं भगाए जाएंगे, कहीं मारने के लिए नहीं हमें पता है हो, लेकिन इसे हमारे मन में रखी हो तो आपका भी जीवन सफल होगा, सनातन भी सफल होगा। अगर मेरी छोटी बातें हैं, मैं अज्ञानी हूं, नहीं बता पाता, तो एक बार सुखा बना जाओ, क्योंकि ये युवा युवाओं की प्रेरक परंपरा रही है। जब नाता भरता है तो निर्देशन लेने साधकों का साधकों से मेल होगा करते किसी भाषा के साथ भगवान चरणों हमारे बच्चे भैया सभी को जो है